हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मैंने कैसे एक पुराना पड़ा हुआ मिरर जो है ट्रांसफॉर्म किया है। ये मिरर एक्चुअली मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। सो आई थॉट कि क्यों नहीं हम इसको एक मेकओवर दें और इससे कुछ एक अच्छा चीज़ बनाएँ। तो ये वीडियो तो हुई उसके बारे में। और जो एक और बात मेरे को आपसे वो करनी थी वो ये है कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको उससे कोई भी फ़ायदा होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दैट्स इट, बिना समय वेस्ट किए चलते हैं और हम देखते हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या सामान चाहिए। तो हमें इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो सामान चाहिए वो है ये मिरर। ये एक बाथरूम मिरर है। इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है। और आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मिरर फॉर दिस प्रोजेक्ट। ब्रश पेंट करने के लिए ये जो है फेविक्रिल के कलर्स मैंने यूज़ किए हैं। ये है गोल्डन कलर और ये करीबन मैंने 3 बॉटल लिए हैं। 10 ml की बॉटल्स हैं। ये ईज़ली किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होगी इसमें वो है ये वुडन प्लैंक, छोटे छोटे। ये एक्चुअली एक गेम आता था जेंगा करके, तो ये वो है। इसके कुछ पीसेस गुम हो चुके हैं अब और ये बेचारा ऐसे ही पड़ा रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं इसको जो है इसमें इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर लूँगी। तो हम पहले तो फ्रेम को पेंट करेंगे, फिर हम इनको, ये जो जितने हैं इनको पेंट करेंगे। और जब पेंट हो जाएगा फिर मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हम इसके साथ क्या करेंगे। ओके गाइज, यहाँ पे होगी ये थोड़ी सी गड़बड़। जो अपना गोल्डन कलर था ये वाला, मैंने इसको जेंगा पे करके देखा लेकिन उसका कलर ना बहुत ही येलोइश सा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ब्लैक कलर करूँ और उसके ऊपर गोल्ड करूँ, तो थोड़ा सा यू नो एंटीक लुक सॉर्ट ऑफ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो वुडन पीसेस हैं और या जेंगा है ये मैंने यहाँ पर ब्लैक पेंट करके छोड़ दिया है। और मैं अभी मिरर पे भी वही कर रही थी। तो ये ब्लैक पेंट होने के बाद फिर हम इसके ऊपर गोल्ड करेंगे और देखते हैं कि फिर कैसा कलर आता है। सो गाइस, पेंटिंग जो है वो प्रोसेस में है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने ये जो है ये सारे पेंट कर लिए हैं। थोड़े से और हैं जो पेंट करने बाकी हैं। अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। ये वाले जो हैं, सॉरी, हाँ ये वाले जो हैं ये इस पर मैं ऑलरेडी 2 कोट कर चुकी हूँ। आई डोंट नो अगर आपको ठीक से दिख रहा है। और जो ये वाला है ये 1 ही कोट हुआ है। तो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2 कोटिंग। तो दिस इज़ द डिफरेंस एज यू कैन सी। मैंने इसमें बहुत हल्का सा पेंट यूज़ किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है। अगर मैं बहुत ज़्यादा करूँगी तो बहुत ज़्यादा जो है ये गोल्डनिश सा लगने लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये बहुत ही हल्के हाथ से आपको इसमें पेंट करना है। तो ऐसे करके हमने सारे साइड्स में हम करेंगे और हम इसको सूखने के लिए रख देंगे। तो मैं ये सारा पेंट कर लेती हूँ 2 कोट और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, सो आवर पेंटिंग इज़ डन। दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग आफ्टर द सेकेंड कोट। और बीच में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई थी जो आपने देखा। तो मैंने ब्लैक कोट जो है वो सेम एक्रेलिक कलर यूज़ किया है मैंने उसमें, ब्लैक कलर का 1 कोट इसका किया मैंने। और उसके बाद जो 2 कोट है बहुत ही लाइट वो इसकी है गोल्डन की। तो हमारी जो है कलरिंग फिनिश होगी। एंड आई मस्ट टेल यू दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। जैसा मुझे चाहिए था इसका कलर बिल्कुल वैसे ही आया है। सो अब टाइम है असेंबली की। आई एम गोइंग शो यू कि हम इसे असेंबल करके डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम एक मिडल में रखेंगे एंड देन वी जस्ट गोइंग टू फॉर्म अ सर्कल लाइक दिस इन दिस पैटर्न, यू नो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। सो लाइक दिस वी आर गोइंग टू कीप।
all can see, I'm almost done. ये हो गया है. ओके, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, हम जो ये वाले हैं ये हम उठा लेंगे सारे और हम ये उसके ऊपर लगाएंगे. सो दिस इज ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म अनदर सर्कल ऑन दिस. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू. हम इसको इसके ऊपर लाइक दिस. Okay, this is extra I have. So this is how it is going to look. This will be the final look of this mirror. Now what we have to do is, I don't have a glue gun, I have this adhesive. ये है फेवी बॉन्ड. आपके पास अगर कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू हो या वुड ग्लू हो या ग्लू गन हो तो आप वो यूज़ करें. तो इससे मैं वन बाय वन पहले मैं नीचे वालों को स्टिक करूँगी और उसके बाद आई विल स्टिक दिस ये ऊपर वाले. This is ready. Now this is how it looks. This is the final product.